हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस बेबी फूड। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक सेव और एक गाजर। सेव में जहाँ भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, वहीं पे गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो बच्चों के आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सेव तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, चाहे बड़ों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। सेव बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, बच्चों का पाचन तंत्र मजबूत रहता है और उनको कब्ज नहीं होता है। सेव और गाजर दोनों ही बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। इसको बनाने के लिए पहले गाजर को अच्छे से छील लेंगे, इसके सारे रेशे निकाल लेंगे और सेव को भी धो लेंगे। अगर आप बच्चा बहुत छोटा है तो सेव को छील लेंगे, अगर थोड़ा बड़ा है 2 साल से ऊपर का है तो सेव को छीलने की ज़रूरत नहीं है। सबको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर मैं गाजर और सेव को कद्दूकस कर रही हूँ, दोनों को ऐसे बारी बारी से कद्दूकस कर लेंगे। गाजर और सेव दोनों अच्छे से कद्दूकस हो गया है, देखिए। अब हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी गरम किया है। घी जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें मैं ग्रेट किए हुए गाजर डाल दूंगी। गाजर को हम पहले थोड़ा सा भूनेंगे 2 मिनट के लिए। गाजर को सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको पहले 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। गाजर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम सेव ऐड कर देंगे। अब दोनों को मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे। ये रेसिपी 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सर में पीस के भी बना सकते हैं। गाजर और सेव अच्छे से भुन गया है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची। 1 छोटी इलायची के दाने डाले हैं मैंने। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो डालें। 1/2 चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर और 1 चम्मच चीनी डाला है मैंने। गाजर और सेव पहले से मीठे होते हैं इसलिए मैंने चीनी कम डाला है। अब सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसको ढक देंगे, ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। दो तीन मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे, देखिए ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। जिस बाउल से मैंने गाजर और सेव लिया था उसी बाउल से 1 बाउल इसमें मैं मिल्क डालूंगी। मिल्क पहले से बॉयल्ड होना चाहिए, कच्चा मिल्क नहीं डालेंगे, पहले से बॉयल्ड मिल्क डालेंगे। कच्चा मिल्क डालने पे फटने का डर रहता है मिल्क। सेव में थोड़ा सा खट्टापन होता है इसलिए हम मिल्क पहले भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसे कई बार क्या होता है कि हम कोई भी एप्पल की रेसिपी, एप्पल का खीर या हलवा बनाते हैं तो मिल्क अगर पहले डाल देते हैं तो मिल्क फट जाता है, इसलिए मिल्क पहले ऐड नहीं करेंगे। मिल्क डालने के थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे, बस 1 मिनट ही पकाएंगे। देखिए जब थोड़ा सा मिल्क इसमें अच्छे से ऐसे खोलने लगे, अच्छे से मिल जाए। तब तक इसको हम पकाएंगे ऐसे। देखिए ये रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। अब इसको हम 1 बाउल में सर्व करेंगे। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बनता है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।